कुल्लू के तारापुर कोठी की भूमि के मालिक देवता क्षेत्रपाल भुट्टी के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य कारकुनों ने शुरू कर दिया है। क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों के सहयोग और कारकुनों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। करीब 50 वर्षों बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। लगघाटी के तारापुर कोठी की भूमि के मालिक देवता क्षेत्रपाल की आज्ञा के अनुसार कारकुनों को मंदिर के पुनर्निर्माण के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद कारकुनों ने इसके लिए कार्य शुरू कर दिया है। देव क्षेत्रपाल कारदार सुरेंद्र सिंह ने बताया कि ये मंदिर पूर्वजों ने वर्ष 1973 में बनाया था, जिसके बाद देवता के हरियाणों ने इसके लिए सहयोग किया था। उन्होंने कहा कि मंदिर का बदौर सड़ गया है, जिसके चलते अब मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। ज्येष्ठ माह में मंदिर को उखाड़ने का कार्य शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण के लिए करीब 30 से 35 लाख रुपए की धनराशि लगेगी, जिसके लिए देवता के भंडार में राशि भी कम है। ऐसे में हरियाणों और लोगों के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देवता क्षेत्रपाल भूमि का मालिक है और फसलों की रक्षा करते हैं। कारदार सुरेंद्र सिंह ने लगघाटी की जनता से अपील की है कि लोग देवता के मंदिर निर्माण के लिए ऐच्छिक निधि से सहयोग करें, ताकि मंदिर का भव्य निर्माण किया जा सके। ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने जब 1973 में बनाया था, और जो पूरा कंप्लीट बना था वो अप्रैल 1973 में बना हुआ था, जो कि हमारे गांव के ही देवता के हरियाणों ने बनाया था। लेकिन अभी ये इसका जो खासकर जो हमारा ऊपर छत पे होता बदोर, वो सड़ गया है। तो इसके कारण देवता के आज्ञा अनुसार देवता ने कहा कि मुझे जो है नया मंदिर का निर्माण चाहिए। तो देवता आज्ञा अनुसार हमने जो है पूछा, तो देवता ने बोला कि ज्येष्ठ महीने में जो इसको उखाड़ना है, तो हमने ज्येष्ठ महीने में इसको उखाड़ लिया है। आज इसका उखाड़ना का काम शुरू हो गया है, और शुरुआत जो नए मंदिर बनाने की वो भी साथ में शुरू हो गई है। तो इसको बनाने में अभी तो हम ज़्यादा नहीं कह सकते, हो सकता है साल लगे, दो साल लगे, तीन साल लगे। इसके लिए जो धनराशि भी बहुत लगेगी, जिसका अनुमान हमारा 30-35 लाख तक का है। लेकिन अगर हम बात करें पैसे की, तो हमारे देवता के भंडार में पैसा कम है, और साथ में हरियाणों और सभी लोगों की मदद से कुछ पैसा हमारा इकट्ठा हुआ है। क्योंकि ये देवता हमारा भूमि का मालिक है, इसलिए इस भूमि के मालिक होने के नाते इसका स्थान हर गांव में है, तो हर गांव वाले हमारा मदद कर रहे हैं। बाकी पब्लिक से भी मेरा अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा राशि या सहायता, किसी भी रूप में सहायता करके हम इस मंदिर निर्माण में हमारी सहायता करें, ताकि हम इसका जल्द से जल्द निर्माण करके प्रतिष्ठा करके देवता के लिए भेंट करें। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।